अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी का नोटिस मिला है। ईडी ने केजरीवाल को तीसरी मर्तबा ये नोटिस भेजा है। ईडी ने 3 जनवरी को पेश होने को कहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जहां ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नोटिस भेजकर समन जारी किया है और बोला है कि 3 जनवरी को आप पेश होइए। ईडी ने केजरीवाल को ये तीसरी मर्तबा नोटिस भेजा है। इससे पहले 2 नोटिस केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं। 18 दिसंबर को दूसरा नोटिस भेजा गया था और 21 दिसंबर को जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था, लेकिन केजरीवाल ने जाने से मना कर दिया। मेडिटेशन में अभी गए हुए, वो 10 दिन के मेडिटेशन पर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर भी लिखा था कि आपके जरिए जो मुझे बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है, आप सियासत से मुतासिर होकर इस तरह के नोटिस मुझे भेज रहे हैं। और ईडी ने अभी 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। ये नोटिस आज भेजा गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। वाजे रहे कि शराब पॉलिसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल आया सामने आया है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से, और अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए नोटिस भेजा जा रहा है जवाब सवाल करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वाजे कर दिया है कि वो इस तरह के समन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पूछताछ के लिए नहीं पहुंचेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने अपने लेटर के जरिए ये बहुत वाजे कर दिया था। चंगेज अयूबी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उनका रुख करते हैं। चंगेज अयूबी, अरविंद केजरीवाल नोटिस पर नोटिस उन्हें भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना कि वो इस तरह के नोटिस का जवाब नहीं देंगे, कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है? देखिए सब सबसे अहम बात यह है कि ये ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा नोटिस भेजा है। सबसे पहला नोटिस जो है वो 30 तारीख को भेजा था, इसमें 2 नवंबर को जो है हाजिर होने के लिए कहा गया था, तो वही 19 दिसंबर को जो है दूसरा नोटिस भेजा गया था, जिसमें जो है 21 दिसंबर की बात कही गई थी कि 21 दिसंबर को आपको ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन वही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब के होशियारपुर में है और बताया जा रहा है कि विपक्षना के लिए वो जो है विपक्षना केंद्र गए हुए हैं, वहां पर 10 दिन की छुट्टी जो है वो लेकर के, तो हालांकि ये चूंकि 20 दिसंबर की बात है तो 21 दिसंबर को उन्होंने पहले ही 21 दिसंबर को पेश होना था उनको, लेकिन 20 दिसंबर वो जा चुके हैं। अब जो जिस तरह से नोटिस दिया गया है अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं 3 जनवरी उनके लिए मुश्किल की घड़ी जो है बनकर सामने आ सकती है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब में है, देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या 3 जनवरी को पहुंचते हैं, क्योंकि इस बार भी उन्होंने जिस तरह से ईडी के समन का जवाब देकर के कहा गया था कि ये राजनीति से प्रेरित से जो है ये समन भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी को ये डर जो है सता रहा है कि उनके पहले ही मनीष सिसोदिया और जो संजय सिंह जो है उनकी ईडी ने रिमांड बढ़ा दी, कथित शराब घोटाला जो है चल रहा है, तो वही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर जो है तलवार लटकी हुई है।